प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 6 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी ठीक होंगी, करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। इस साल आपको एक तो जल्दबाजी में काम नहीं करना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं और किसी भी तरह की दुर्घटना से आपको बचना होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आम तौर पर भगवान शिव की पूजा बेलपत्रों से की जाती है, बेल के पत्ते जो हैं वो भगवान शिव को विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि माता लक्ष्मी की पूजा भी बिल्व पत्र से यानी बेल पत्रों से की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा अगर बेल के पत्तों से की जाए, बिल्व पत्र उन्हें अर्पित की जाए तो धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से सोमवार को शाम के समय माँ लक्ष्मी को अगर आप बेल के पत्ते अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो दरिद्रता की और कर्ज की समस्या आपकी दूर होती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अगर आपका छोटा बच्चा है या एक से ज्यादा छोटे बच्चे हैं और उनको बार बार चोट लग जा रही है तो क्या उपाय करेंगे? जहां तक संभव हो अगर बच्चे को बार बार चोट लग रही है तो उसे लाल वस्त्र धारण मत करवाइएगा। बच्चे के गले में लाल धागे में एक तांबे का सिक्का पहना दीजिएगा और बच्चे की माता बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगी। आपका बच्चा हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित बना रहेगा। जिन लोगों को रोजगार की समस्या हो या रोजगार में बार बार उतार चढ़ाव होते हों, आप ऐसे पेन का इस्तेमाल करें जिसकी इंक ब्लैक होती हो। काली स्याही से लिखना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप ब्लैक इंक का इस्तेमाल करते हैं तो सामान्यतः आपको रोजगार की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।